हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। यूपीएससी में 178वीं रैंक लाने वाली मानसी का खरगोदा में स्वागत। रविवार को यूपीएससी में 178वीं रैंक लेने वाली खरगोदा के सेहरी गांव की बेटी मानसी दहिया का खरगोदा में जबरदस्त स्वागत किया गया। मानसी दहिया सबसे पहले खरगोदा जागृति स्थल पर पहुंची, जहां पर उन्होंने महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी और यहां से उन्हें खुली जीप में बैठाकर खरगोदा के मुख्य रास्ते से ले जाते हुए सेहरी गांव में ले जाया गया, जहां पर महिलाओं, ग्राम पंचायत व पूरे गांव की तरफ से मानसी दहिया का स्वागत किया गया। इस मौके पर मानसी दहिया ने कहा कि लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करने से सफलता अवश्य मिलती है, इसलिए सभी बच्चों को अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए और निरंतर पढ़ाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे 11वीं कक्षा से ही IAS की तैयारियों को लेकर कोचिंग लेने लग जाते हैं, जबकि कोचिंग का इतना ज्यादा महत्व नहीं है। बच्चों को अपनी बोर्ड की परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे से आरंभिक व माध्यमिक परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, इसके बाद ग्रेजुएशन कम्प्लीट करना चाहिए। इसी दौरान अच्छे से अपनी पढ़ाई करने वाले बच्चे सेल्फ स्टडी से भी लगातार आगे बढ़ते हैं, इसलिए कोचिंग के चक्कर में कम से कम रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से गरीब परिवार ऐसे हैं जो कोचिंग लेने में सक्षम नहीं है। इसलिए जो बच्चे लगनशील होकर पढ़ाई करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और बच्चों पर भी कभी भी दबाव नहीं बनाना चाहिए। इस मौके पर जगदीश सेहरी, पूर्व प्रधान बीरबल, डॉक्टर बीर पहलवान, मुन्ना नंबरदार, दहिया खाप के पूर्व प्रधान सुभाष उर्फ बबलू, सुभाष धर्मवीर, राजेंद्र खांडा, बिल्लू पहलवान सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मर्जी तो कैमरे में देखिए ये भाई यहाँ पे वेट वेट वेट। अपने ऊपर विश्वास रखें और संपूर्ण अगर आपके आसपास इतने चाहने वाले हो तो फिर क्यों ना विश्वास रखें। तो विश्वास रखें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बेटा आपने कैसे तैयारी की और कैसे इस मुकाम तक पहुँचे? मैंने घर से ही तैयारी की थी, जो भी तैयारी की वो स्वयं या सेल्फ स्टडी से ही की थी और बाकी निरंतर पढ़ाई तो करती रहनी है। कुछ टाइम तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कुछ बच्चे जैसे 11वीं से ही कोचिंग वगैरह लेते हैं दूर दूर जाके, उनके बारे में क्या मैसेज है? कोचिंग लेना ज़रूरी नहीं है, अगर हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से कोशिश कीजिए और 11th क्लास में बेहतर है कि आप अपने बोर्ड्स पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद अगर लगे कि आपको ज़रूरत है तो ज़रूर लीजिए। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, प्रारंभिक पढ़ाई, और क्या बताना चाहेंगे? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई मैंने सोनीपत से की है, हिंदू विद्यापीठ से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो है सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। बस इसका स्वागत का यही मेन उद्देश्य है कि हमारे बच्चे इस बच्चे को अपना मॉडल रोल मान के और भी बच्चे तैयारी करें और वो भी इसमें आगे बढ़ावा मिले इन चीज़ों को। और ये जागृति स्थल बनाया इसलिए है कि नए बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित किया जाए और उनका सम्मान किया जाए ताकि और बच्चे भी देखा देखी मेहनत करके आगे बढ़े। किया गया है बेटी का सम्मान इसलिए किया गया है कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनको एक प्रेरणा मिले कि भाई IAS क्रैक करना या IPS क्रैक करना एक बड़ी चीज़ नहीं है। देखो इस बेटी ने विदाउट कोचिंग अपने लेवल पे अपना एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग सेंटरों में बैठ के तैयारियां करें, क्योंकि एक गरीब का बच्चा कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकता, उसकी बहुत हाई फीस होती है, तो वो बच्चे अपने घर पर बैठ के तैयारी करें। और जागृति स्थल से इसलिए किया गया है क्योंकि ये एक एग्जाम्पल सेट होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शहीदी स्मारक है, यहाँ पे चौधरी छोटूराम, चौधरी टीकाराम, चौधरी मेहर सिंह की मूर्तियाँ हैं, चौधरी होशियार सिंह की मूर्ति है, दादा कुशाल सिंह की मूर्ति है, तो यहाँ से एक पवित्र स्थल माना गया है। और इस पवित्र स्थल से स्टार्ट होने के बाद आदमी में एक ऊर्जा का प्रोत्साहन होता है। आज बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पढ़ाई लिखाई और सबसे आगे। Thank you.
जल्दी खेल चाहिए और उपाध्यक्ष आओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तैयार खाप की बेटियां आगे आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ जी सामने देखो। भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। कन्या महाविद्यालय खरखोदा affiliated to Maharshi Dayanand University Rohtak NAAC accredited grade A in third cycle Kharkhoda district Sonipat Haryana regular undergraduate programs BA BCom BCA Bachelor of Vocational Education in Catering Technology and Hotel Management Bachelor of Vocational Education Sports Nutrition and Physiotherapy बच्चों के चहुंमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार शिक्षा टेक्नोलॉजी खेल स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर डॉक्टर लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी लैप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर स्टोन लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी हेमोरियोडिस एनालफिजर लैप्रोस्कोपिक हर्निया ऑल टाइप्स ऑफ जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी प्लीज़ कंसल्ट डॉक्टर सौरव पनगोरिया फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉल 7056511111। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।